अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी बच्चे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप्स, पेज नंबर है 13। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 1313। तो मैं आपको ऐसे ही बोलूँगी ग्रुप्स क्या होता है। पहले ग्रुप्स जैसे आप लोगों के पास होते हैं, आपके फ्रेंड्स दो होते हैं, किसी के पास किसी के तीन होते हैं, वो हुआ आपका ग्रुप, अपना ग्रुप। अब मैं आपको समझा रही हूँ बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, दिस इज ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर अगर मैंने एक ही बर्ड बनाया होता तो यहाँ पर हम नहीं लिखते यहाँ पे ग्रुप है, तो हमें सीधा लिखना था यहाँ पे दिस इज ए बर्ड। अब यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, है ना बेटा? ये चार सभी को नजर आ रहा है, तो इसलिए ये चार हैं। मीन्स जो चीजें एक से ज्यादा होती हैं वहां पर हम बोलेंगे ये है इनका ग्रुप। तो यहाँ पर किस चीज का ग्रुप बनाया मैंने? बर्ड्स का। इसलिए मैंने लिखा दिस इज ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। समझ में आया सभी बच्चों को? वेरी गुड। अभी नीचे और है, दिस इज ए ग्रुप ऑफ बुक्स। ये किस चीज का ग्रुप है? बुक्स का। यहाँ पर है मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू। सभी बच्चों को नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे एक ही बुक होती तो हम यहाँ पे ये ग्रुप, हमें यहाँ पर ये ग्रुप नहीं लिखना था। समझ में आया? हमें सीधा लिखना था दिस इज ए बुक, मीन्स ये एक बुक है। लेकिन यहाँ पर तीन है, 1 2 3 बुक्स, है ना? हमें इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ रहा है दिस इज ए ग्रुप ऑफ बुक्स। मीन्स जहाँ पे एक से ज्यादा चीजें होती हैं वहां पर हम बोलेंगे ये ग्रुप है। अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। ये है मेरे हाथ में रिंग, आप लोग खेलते हो ना घर में, सभी के पास है ना? ये है एक रिंग, हम बोलेंगे यहाँ पे दिस इज ए रिंग। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर दो लाई है, तीन, शाबाश, 1 2 3 4 एंड 5। कितने रिंग्स हैं मेरे हाथ में? कितने रिंग्स हैं? 4 हैं। तो ये हुआ इन रिंग्स का ग्रुप। समझ में आया सभी बच्चों को? अगर यहाँ पे एक ही रिंग होती तो हम बोल लेंगे यहाँ पे सीधा ये एक रिंग है, दिस इज ए रिंग। लेकिन यहाँ पर तो चार है, 1 2 3 3 एंड 4, सभी बच्चों को नजर आ रहा है, इसलिए ये है रिंग्स का ग्रुप, दिस इज ए ग्रुप ऑफ रिंग्स। समझ में आया सभी बच्चों को? वेरी गुड। अभी मैं कुछ और दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। ये क्या है? स्केच पेन। सभी कलर करते हैं ना घर में कॉपी पे, जो फिर आप कॉपी पे कलर करते हो, सभी बच्चों को है ना? ये हुआ खाली दिस इज ए पेन, मीन्स ये एक ही पेन है। लेकिन अब मैंने यहाँ से लाए, यहाँ पे लाए 1 2 3 4 एंड 5। कितने पेन से अभी मेरे हाथ में? 5 है ना? तो ये हुआ इनका ग्रुप, दिस इज ए ग्रुप ऑफ पेन्स। मतलब ये है ग्रुप किन चीजों का? पेन्स का। समझ में आया सभी बच्चों को? जरा कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया? वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आया। अब आप लोग, आपके पास होते हैं घर में टॉयज वगैरह, आप दो टॉयज, थ्री टॉयज वो एक साथ जमा करना, फिर हुआ उनका ग्रुप। आपके पास बुक्स भी होते हैं, आप बुक्स भी जमा करके रखना एक ही जगह, वो हो उनका ग्रुप। आपके घर में बहुत सारी खेलने की चीज़ें होती हैं, आप उनको एक साथ जमा करके रखना, तो वो हुआ उनका ग्रुप। तो आज के लिए इतना ही, जब तक मेरी दूसरी वीडियो आए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।